आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक महात्म्य का तीसरे दिन का पाठ कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, आप तो सभी काल में छाए हुए हैं और सभी काल आपके लिए एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास अथवा कत्तक का महीना ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और उचित भी है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार यही प्रश्न एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताई और कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंख नामक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद उसने इंद्र आदि सभी देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया तथा उन्हें स्वर्ग लोक से निकाल दिया। शंखासुर से भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपकर रहे। जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारों से वंचित होकर भी यह देवता बलवान है। यह सब सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा, वेद मंत्रों की शक्ति के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे शक्तिहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जब वह वेद लेकर जा रहा था, तब उसके डर से वेद उसके चंगुल से निकलकर भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढने के लिए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस आया, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे और धूप दीप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान श्री हरि की निद्रा टूट गई और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप सबकी पूजा एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य तुम्हारी तरह आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, मैं उन सब से प्रसन्न होकर उन्हें सभी प्रकार के सुख प्रदान करूंगा। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद मंत्र जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। आप सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आइए। कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वह सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र,
कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पोत्र आदि देते रहना और उन सब की आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनाधिपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उन सब के धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप सब लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप सब ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा को सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सर्वदा प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस मास में देवता मनुष्य द्वारा किए गए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में अन्नदान, जो सभी पापों का नाश करता है, उसका सबसे अधिक महत्व है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी इच्छा से दान करता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होती है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। कार्तिक मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए तथा दीप दान करना चाहिए। यदि आप दीप दान ना कर पाए तो दूसरों के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का सारूप्य तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेती। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक मास में गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सात समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल मिलता है वही फल कार्तिक मास में स्नान तथा दान का है। कार्तिक माह में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। कार्तिक मास में दीप दान करने से स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक के किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था।
उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु कम होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से भी उसे लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदा भिक्षा में मिले हुए अन्न को ही ग्रहण किया करती थी। वह अपने हाथ से शुद्ध भोजन ना बनाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही किया करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहा करती थी और ना ही कभी उसने मंदिर में जाकर कथा या प्रवचन सुना था। एक दिन कुत्स नाम का एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां पहुंच गया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगा हुआ देखकर उसने पूछा, अरे मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की तरह है, एक दिन इसका नष्ट होना तय है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुना कर। कार्तिक मास आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान करके दीप दान कर और विष्णु भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों तथा उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीप दान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण वहां से चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने पश्चाताप करते हुए यह निर्णय किया कि वह कार्तिक मास में इस व्रत को अवश्य करेगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई और स्वर्ग लोक में गई। समयानुसार वह भी मुक्ति को प्राप्त हुई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप लेकर सागर में आ गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजुलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजुलि में जाकर गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में समा ना पाई तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी समा ना सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी और फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में निवास करता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में पहुंच गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान श्री हरि से निवेदन किया
देवाधिदेव जगन्नाथ इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा इस स्थान पर दिए गए दान को अक्षय बना देने वाला हो। हे प्रभु, ऐसा हमें वर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, देवतागण, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है, अर्थात तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ से गंगा को लेने आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीरथ तीरथराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। तीरथराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का यह तीरथ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी देवता अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरे दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।